कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छा गया है ये, और ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हम फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्योंकि फैमिली का जो मूवी है बहुत कम टाइम में आता है, तो ये फैमिली मूवी है और कार्तिक सर ने बहुत अच्छा वर्क किया है। स्टोरी कहीं ना कहीं उतना लेवल पे नहीं गया है, बट जो है मूवी एक पारिवारिक है, इसको ज़रूर देखने आना चाहिए लोगों को, माइंड ब्लोइंग। 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूँगा, बिकॉज थोड़ी चीज़ें हैं जो गड़बड़ है, बट फिर भी इट्स ओके फॉर दैट। मस्त, थैंक यू। शहजादा कैसी लगी मूवी? अच्छी, बहुत बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किरण सरन का जो पार्ट है वो बहुत कम था, और कार्तिक आर्यन जो भी मूवी करते हैं उसमें हमेशा खुद के ऊपर ही रखते हैं पूरी मूवी, तो अच्छी थी, उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की। हाँ, लीड रोल उनका ही है, और बाकी सब जो हीरोइन है वो भी साइड कैरेक्टर ही है। बाकी स्टोरी आपको कैसी? स्टोरी बहुत अच्छी थी, पंच लाइन भी अपटू द मार्क थे, स्टोरी के साथ म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, एक्शन भी अच्छा था, लेकिन कम था थोड़ा कॉमेडी में, डायलॉग्स भी अच्छे थे। 3.5/4 अच्छी थी। कृति सनन, कार्तिक आर्यन केमिस्ट्री बहुत भारी था, रोनित रॉय का एक्टिंग बेस्ट है, 4/5 हाँ, जो कार्तिक आर्यन है वो प्रोटैगनिस्ट है, ये तेलुगु मूवी अला वैकुंठ पूरा मुल्लू की कॉपी है, और मुझे लगा है कि बॉलीवुड ने एक अलग स्टाइल में बनाई है, एक अपने यूनिक स्टाइल में मूवी बनाई है, और मुझे मूवी पसंद आई क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है कार्तिक आर्यन, आई थिंक उन्होंने जस्टिस किया, अभी तक वो रोमांटिक मूवीज़ करते आए हैं, तो एक्शन मूवी में आई थिंक उनका डिसेंट परफॉर्मेंस है, एक्शन सीन्स अच्छे से शूट किए गए हैं। रोहित धवन जो डेविड धवन के सुपुत्र हैं, उनका डायरेक्शन अच्छा है, इससे पहले उन्होंने देसी बॉयज़ और दिशुम जैसी मूवीज़ बनाई थी, तो उनका डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी और राजेश गुप्ता की, और एडिटिंग भी क्रिस्प है, थोड़ी और एडिट हो सकती थी, बट रितेश सोनी की एडिटिंग भी क्रिस्प है, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है प्रीतम का, 2-3 गाने छेड़खानियाँ हो या टाइटल ट्रैक शहजादा का, बहुत अच्छा है, और एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट वेल, ऑल्दो द मूवी इज़ कॉपीड फ्रेम बाय फ्रेम, बट फिर भी बॉलीवुड ने एक अलग तड़का लगाया है, तो मज़ा आएगा आपको देख के। फर्स्ट हाफ बहुत एंटरटेनिंग है, सेकेंड हाफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, तो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ड्रैग लगेगा, बट फर्स्ट हाफ तो बहुत ही एंटरटेनिंग है, और इसमें मनीषा कोराला है, रोहित रॉय है, ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, मुझे लगता है उनको वेस्ट किया है, आई थिंक राजपाल यादव भी हैं, अली असगर, ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, बट मैं एक अंकुर राठी एक एक्टर, उनका रोल मुझे अच्छा लगा, और बाकी स्टोरी इस तरह की मूवीज़ बनी है, स्टोरी भी लोगों को प्रेडिक्टेबल लगेगी, बट नेवर द लेस वन टाइम वॉच। म्यूज़िक तो प्रीतम, आई थिंक ही इज़ अ सीजन्ड म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोजर, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनका म्यूज़िक बहुत बढ़िया है, और मूवी में सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, डांस है, डांस मतलब जो भी कोरियोग्राफी है बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं सीन्स, डांस है, ड्रामा है, म्यूज़िक अच्छा है, एक्शन है, सब पूरा तड़का लगाया है। बहुत ही ज़्यादा हॉट केमिस्ट्री है दोनों की, और आई थिंक कार्तिक आर्यन और प्रीति, पता नहीं एक अलग ही उनकी केमिस्ट्री है, मतलब बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग, कॉमेडी हो या इमोशनल सीन्स हो, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है दोनों की, और प्रीति बहुत ही गॉर्जियस और स्टनिंग लग रही है मूवी में, तो आप इन्जॉय करेंगे दोनों को देख के। आई थिंक फर्स्ट हाफ तो मुझे बहुत पसंद है, सेकेंड हाफ में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, बट ओवरऑल वन टाइम वॉच, एंटरटेनिंग है, 3 stars। थैंक यू। टाइम पास मूवी है, वन टाइम वॉच है, कॉमेडी बहुत सारे कॉमेडी लिया है उससे, लेकिन काम अच्छा नहीं कर पाए, नहीं लिया उससे। फिल्म का नाम कैसा लगी? मेन वही काम अच्छा है, कार्तिक आर्यन। हाँ हाँ ऐसा ही कैरेक्टर है। केमिस्ट्री उन लोग का ठीक है, लेकिन उसका परस लेवल का केमिस्ट्री अच्छा लगा मुझे तो। हाँ वन टाइम वॉच, गाने अच्छे हैं, क्या कहना चाहिए, वन टाइम वॉच, आउट ऑफ 5/3 बहुत अच्छे लगे। कार्तिक की एंट्री कैसी थी? रुचि लेना बोल, कार्तिक की भी एंट्री अच्छी लगी, हर किसी कलाकार का काम बड़ा अच्छा है, और साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि बोले मूवी में कोई पार्ट हो, ऐसा कोई सीन हो जो आपके दिल को, मूवी में हर पार्ट अच्छे हैं, कंप्लीट एंटरटेनमेंट है।
चाहूँगा कि सब नीचे 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 पूरा आवाम देखे। चलिए थैंक यू। डायरेक्शन कैसा था डायरेक्शन? नीचे नीचे एवरीथिंग सुपर। और जाते जाते मैं जानना चाहूँगा कितना स्टार देना चाहोगे आपको? मैं 4.5 स्टार लेना। सजा बहुत कमाल की फिल्म है, फुल मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है। कार्तिक आर्यन की एंट्री कैसी थी? कार्तिक आर्यन की एंट्री बहुत अच्छी थी। एक एक्टर के लिए कॉमेडी, एक्शन और एक्टिंग, वो तीनों में खड़े उतरे हैं। इसका काम अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? पूरी स्क्रीन पे तो कार्तिक ही छाए हुए हैं, और कार्तिक के बाद अगर बात करेंगे तो परेश रावल की एक्टिंग बहुत अच्छी है। कीर्ति सेनन के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी, हालांकि सेकेंड हाफ में उनको उतना माइलेज नहीं मिला है, लेकिन कार्तिक ने उसकी कमी पूरी कर दी। एक्शन कमाल का है फिल्म का, आपको देखने में अच्छा लगता है, और म्यूजिक भी फिल्म का बहुत अच्छा है, और सबसे भारी है कार्तिक की एक्टिंग। कार्तिक ने कमाल की एक्टिंग की। डायरेक्शन भी अच्छा है, रोहित धवन अपने पिता की याद दिलाते हैं। कई जगह ऐसा लगा कि ये परेश रावल और कार्तिक आर्यन की जोड़ी जो है वो कादर खान और गोविंदा की जोड़ी लग रही है, बहुत अच्छा है। कितना स्टार देना चाहोगे? 4। बहुत अच्छी मूवी है, एक्टिंग सबकी अच्छी लगी मुझे, और कार्तिक आर्यन की स्पेशली ज़्यादा अच्छी लगी। शहजादे ने वाकई में अपना रोल शहजादे जैसा अदा किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके को स्टार और लीड रोल होने के बावजूद भी कीर्ति सेनन को काफ़ी कम टाइम दिया गया, उनके सीन्स उनके रोल्स बहुत कम लगे मुझे, थोड़ा वक्त ज़्यादा देना चाहिए था उनको। सबसे ज़्यादा काम किसका अच्छा लगा और मूवी में ऐसा क्या कुछ है जो आपको बहुत पसंद आया? काम सभी का अच्छा लगा, जाहिर है लीड रोल को ज़्यादा टाइम दिया जाता है तो उसको ज़्यादा एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, इसलिए कार्तिक का रोल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और फिल्म में ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जब शहजादे को पता चल गया कि वही असल शहजादा है, उसके बाद भी उसने दौलत के लालच में आकर सब कुछ सच नहीं बताया, अपनी गरीबी लाइफ में ही ज़िंदगी जीते हुए उसने सबको खुश रखने की कोशिश की, जो एक शहजादे का दिल है वो ये करता है। डायरेक्शन और एक्शन कैसे थे? डायरेक्शन एक्शन सभी अच्छा लगा मुझे फिल्म की, बट जिस तरह से प्रमोशंस किए जा रहे थे उस हिसाब से थोड़ी सी कमी लगी मुझे, बट ठीक है, पठान के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आउट ऑफ 5 में 3.5 देना चाहूँगा। मैंने अभी देखी शहजादा, यार शहजादा तो वाकई शहजादा लगा ही। एंट्री कैसी थी? एंट्री भी बहुत ज़बरदस्त थी। इसका काम चला कृति ने? कृति का तो इतना काम नहीं है, बट आर्तिक आर्य ने पूरे फिल्म में तो वही छाया हुआ है, सारे प्रॉब्लम वही सॉल्व करता है। एक फैमिली में काफ़ी डिस्टर्बेंस होते हैं, कोई किसी से बड़े अपसेट होते हैं, तो फैमिली में आके सबके प्रॉब्लम सॉल्व करना, सबको एक करना, इस तरह से उसका काम था, बहुत बढ़िया काम था। एक्शन दिखाया है, कॉमेडी दिखाया है, लव एंगल दिखाया है, यार सारा बहुत इमोशनल फिल्म, मैं तो रो रहा था कसम से, तो बहुत इमोशनल बंदा हूँ, इतना इमोशन रखा इस फिल्म में क्या बताऊँ, आंखों से बार बार आंसू आ रहे। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत फैमिली फिल्म है, जो अपने फैमिली से प्यार करते हैं, एक होना चाहते हैं, एक रहना चाहते हैं, तो जाके देखिए इस फिल्म को। हाँ, डायरेक्शन तो बहुत अमेजिंग था, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं चल रही है, डायरेक्शन भी बड़ा बेजोड़ था, एक उसने बांध कर रखा है, सीक्वेंस भी अच्छे हैं। क्या अभी कंपेयर तो नहीं कर सकते, पठान को बहुत ज़्यादा हाइप हुआ है, बट ठीक है ये भी चलेगी, पठान अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे बहुत बेस्ट, ये बहुत अच्छी है, हर आदमी देख सकता है। 5 में से मैं 4 स्टार देना चाहूँगा, 4 स्टार, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू।